प्रदेश सरकार के पास ये आंकड़े हैं कि किस पिछड़ी जाति की कितनी आबादी है, आबादी का कितना प्रतिशत उस समाज का है। अगर है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को उन आंकड़ों को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से रख देना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं कराया है तो फिर सामाजिक न्याय समिति किस आधार पर यह वर्गीकरण करना चाहती है, यह हमारा प्रश्न है। आप एक का हिस्सा मार के दूसरे को नहीं दे सकते। जिसकी आबादी 1% है उसकी हिस्सेदारी भी 1% होनी चाहिए, और जिसकी आबादी 10% है उसकी आबादी 5% नहीं की जा सकती, 4% या 2% नहीं की जा सकती। यह अन्याय होगा अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा करती है। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जनसंख्या का, आबादी का अध्ययन कराना होगा, जाति जनगणना करानी होगी, और जाति जनगणना के आधार पे आप चाहें तो आप 27% को बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़े तो आप बढ़ाइए और वर्गीकरण करिए। लेकिन अगर आप बिना जाति जनगणना के वर्गीकरण करना चाहते हैं तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों को आपस में बांटने की और लड़ाने की राजनीति करना चाहते हैं। आपकी मंशा पिछड़ों को उनका अधिकार मिले, उनका प्रतिनिधित्व मिले, ये कतई नहीं है। इसलिए हम खुलकर ये कहते हैं कि जातीय जनगणना के बगैर पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। आपको जातीय जनगणना करानी पड़ेगी और उसके आंकड़े प्रदेश की जनता के सामने रखने होंगे, और उसके बाद ही आप पिछड़ों का आरक्षण का वर्गीकरण कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी मंशा पे सवालिया चिन्ह है, और हम सब पिछड़े इस बात को समझ रहे हैं।